गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। कल हम लोग हिंदी में पार्ट पांच संधि पढ़ रहे थे। उसमें हम दीर्घ संधि पढ़ चुके थे, गुण संधि पढ़ चुके थे, आज वृद्धि संधि पढ़ेंगे। जब आ आ का मेल ए ए से हो तो ए हो जाता है, जब आ आ का मेल ओ या ओ से हो तो अ हो जाता है। इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे देखिए, आ ए तो ए हो गया, आ ए तो भी ए हो गया, ठीक है। आ ए जोड़े तो ए बन गया, ठीक है। परमेश्वर, मतैक्य, ठीक है, वो स्वर हट गया और उसकी मात्रा लग गई। आ और ए, आए। यथा एव, यथैव। सदा एव, सदैव। ए हट गया, आय की मात्रा लग गई, यहां से आ हट गया। महा ऐश्वर्य, यहां से बड़ा हट गया और आय लग गया, महेश्वर्य। मातेश्वर्य, ता की मात्रा हट गई, मातेश्वर्य हो गया, ठीक है। मधुर ओदन, मधुरोदन, क्या हो गया? इधर आ है, उधर ओ है, मतलब पहले अक्षर का अंत में शब्द के अंत में आ है और दूसरे अक्षर के शुरुआत में ओ है, तो आ हो गया, मधुरोदन। जलौद, जलौद, ठीक है। महा ओजस्वी, महोज्वसी। महा खो ओज, महोज। देव औदर्य, देवौदर्य। परम औदर्य, परमौदर्य। महा औदर्य, महोदर्य। देखिए, इधर आ है, आ हट गया, औ की मात्रा लग गई, औ। महाऔषध, महौषध। अब बारी आती है यण संधि की। जब ई, उ और री का मेल किसी अन्य असमान स्वर से हो तो ई उ या को या और उ का वा र का र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। बच्चों, नियम याद कर लोगे तो कोई भी शब्द की संधि कर सकते हो। यदि अपि, उसमें क्या था गुण संधि में? इधर पहले अक्षर के अंत में आ था और दूसरे अक्षर की शुरुआत में ई थी, यहाँ उल्टा है। यहाँ पहले अक्षर के अंत में ई है, उधर आ है। तो यद, यद अपि, यद्यपि, या लग गया ना। क्या नियम क्या बता रहा है? ई या ई का या हो जाता है। देखो, यद्यपि, अति, अधिक, अत्याधिक, ठीक है। ये ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, यहाँ आ है और या हो जाता है, या लिख दिया, ई और आ या हो गया। इति, आदि, इत्यादि, ठीक है, आ की मात्रा लगा दी। अति आचार, अत्याचार। अति आवश्यक, अत्यावश्यक। अब देखिए, ई और उधर उ है तो यू हो जाएगा। प्रत्योपकार, प्रति उपकार, प्रत्योपकार, इसकी मात्रा लग गई और ई की जगह या का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। उपरुक्त, उपरुक्त क्या हुआ? जो रा था वो आधा है ना, आधी मात्रा लगे तो ये यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएगा और या लग जाएगा। उपयुक्त, उपर्युक्त। अति उत्तम, अत्युत्तम। अब ये देखिए, ई और उ, यू बन गया, बड़ा उ है ना। न्यून, न्यून। व्यूह, व्यूह। अधि एता, अध्येता। प्रति एक, प्रत्येक। छोटी की मात्रा है तो छोटा अक्षर बन गया और ई और ए मिला के या बन गया। देखिए, देवी, अर्पण, ई और आ मिला, या बन गया। दासी, अपराध, दास, दास्य, अपराध। ये आधा सा, ये जो अक्षर होता है वो उससे पहले वाला आधा हो जाता है और साथ में या लग जाता है। देखिए, दिया इन्होंने नियम, स्वर से हो तो ई का या हो जाता है। ये देखिए, इससे पहले वाला अक्षर भी आधा हो गया, जैसे देवी आले, देव्यालय।
आयालय हो गया, और वो जो ई की मात्रा वाला शब्द था वो आधा रह गया। नदी आगमन नद्यागमन, देवी आगमन देव्यागम, सखी आगमन सख्यागम, गमन। उ आया और आ आया तो वा बन गया, जैसे सु अच, तो क्या हो गया स्वच्छ। ठीक है, अनु आए, अनु व्यय, सु धन आगत स्वागत, उ और आ मिला तो वा बन गया, उ और आ मिला तो वा बन गया, गुरुवाकृति, गुरुवाकृति गुरुवाकृति, अनुवेषण। देखिए ना आधा हो गया और एक ही जगह वा लग गया, अन्वेषण। उ और आ वा बन गया, बड़ा उ, वधु आगमन वधुआगमन। ठीक है, और ई और उ और ई बना तो वी बन गया, अनु इति अन्विति, अनु इच्छक अन्विक्षक, ये बड़ी है इसलिए इधर मात्रा लग गई, अनु इच्छण अन्विक्षण। ना आधा हो गया, ई का वा बन गया, ये बड़ी है तो बड़ी हो गया, री और आ मिलके रा बन गया, जैसे मात्र अनुमति मात्रोन्मति, पित्र अर्पण पित्रापण। ये देखिए ये राही है, ठीक है, मात्र आज्ञा मात्राज्ञा, पित्र आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ उपदेश मातृपदेश, पितृ उपदेश पितृपदेश, मात्र इच्छा मातृच्छा, पितृ इच्छा पितृच्छा। ठीक है, ये वाले भी नियम आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या है, ए ऐ ओ औ वर्णों को किसी असमान स्वर से मेल होने पर क्रमशः ऐ आए अव आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए आ आए, शे ए आ शयन, उन्होंने देखिए कहा है आपसे, ए ऐ ओ औ, ए आए का क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, और ए औ औ का वो अब आए हो जाएगा, और अव और आव हो जाएगा। देखिए, चे अन चयन, ने अन नयन, या हो गया ना, ए ऐ आए, नए अक नायक, आए हो गया ना, आ की मात्रा लग गई, ए की मात्रा हट गई, आ की लग गई, और या बन गया, गे अक गायक। देखिए, आ की मात्रा लग गई, आ ये हो गया, आए बन लग गया ना, भो अन भवन, अब ओ शुरू हो गया, ओ में क्या बनना था, अव और आव, भवन, पो अन पवन, पो अक पावक, पो अन पावन। अब अ की मात्रा है तो आव हो जाएगा, ये देखिए अव और आव, ओ और ई, अविनायक तो नाविक, नाउ तो भावुक, आवु हो गया ना। ठीक है, ये सब आपकी कौन सी संधियां थी, स्वर संधियां। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, व्यंजन संधि को शुरू करेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। व्यंजन और स्वर, या व्यंजन और व्यंजन, आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जन, तो क्या हो जाएगा, सज्जन, आधे ता की जगह जो जाए वही पूरा हो गया, जगत ईश जगदीश। व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित हैं। नंबर एक, जब का च ट त पा का मेल, क च ट त पा क्या है, देखिए वो
काका गागा वाली लाइन शुरू होती है, फिर चाचा चाचा वाली लाइन। तो पहला पहला हर एक का जो अक्षर है, क च ट प त पा, पांच लाइन खाली यूज हुए हैं। किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या र ल व से हो तो पहले वर्ण के स्थान पे क्रमशः ग ज, तीसरा अक्षर है देखिए, ण द बा हो जाता है। जैसे का धन आ तो क्या हो जाएगा, गा। देखिए दिग अंबर हो गया ना, इधर क्या है का है, ये देखिए का आपका बोल रहा है का, और इस तरफ क्या किसी से भी होता है तो क्या हो जाता है, गा हो जाता है। का वाली लाइन होगी तो गा हो जाएगा। जैसे दिग धन अंबर दिगंबर, ठीक है। इसी तरह का और गा मिले तो आधा गा पूरा गा, दिग धन गज दिग्गज। का धन ई इज़क्वल टू गी, वाक ईश, आ है ईश, वागीश, ठीक है। का धन दा तो क्या हो जाएगा, गद। वाक धन दान, वाक दान, ठीक है। चा का जा बनना है, देखिए का से गा बना, चा का क्या बनेगा, जा। चा धन आ जा, अच अंत अजंत। टा धंधा का क्या बन जाएगा, अड़ाम, ठीक है। शा षट धन दर्शन, षड षट दर्शन। ता का दा बनना, ता धन आ इज इक्वल टू दा, ता प्लस आ इज इक्वल टू दा। तत् अनुसार, तद तद अनुसार, जगत आनंद, जगदा आनंद, दा बन गया ना। पा का बा बनना, ठीक है। देखिए जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से होता है तो उसके स्थान पे उसी वर्ण का पांचवा आ जाता है। जैसे का और अंगा का बनना, देखिए का धन मा, हाँ अंगम। जैसे वाक धन मय तो वागम में। चा का इया बनना, चा धन ना इज इक्वल टू इया, अच नाश अन्याश। टा का डा बनना, टा है इधर, इधर मा है तो अम हो गया। षट मास तो षड मास हो गया। ता का ना बनना, इधर ता है इधर ना है तो अन्न हो जाएगा, उत्तनयन उन्नयन। पा का मा बनना, पामा म, अप मय, ठीक है। आप लोग का आज ये काम है कि आप इसको दो तीन बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद अपने होमवर्क रजिस्टर में इसको दो दो उदाहरण, तीन तीन उदाहरण, सब संधि का लिखिए। अभी आप खाली स्वर संधि करिएगा, व्यंजन संधि को अभी मत छूइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे ये आपके इन फ्यूचर हर एग्जाम में संधि जरूर आती है, चाहे आप बोर्ड पेपर दीजिए, चाहे आप कोई एंट्रेंस टेस्ट पेपर दीजिए। बेटा अगर आप लोग की हिंदी स्ट्रांग होगी, क्योंकि कई एंट्रेंस एग्जाम पेपर में तक संधियों का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। अभी आपका काम ये है कि जितने स्वर संधि के नियम हैं वो सब नियम लिख के उसके दो दो उदाहरण लिखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद हो जाएगा। इसको होमवर्क रजिस्टर में कर लीजिए तो अच्छी बात है, तो और करेंगे सब बच्चे इसको। ओके ओके चिल्ड्रन, गुड डे।